हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम लोग वर्ड पावर का फिफ्थ वीडियो रीड करेंगे, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मीन्स Somebody is not guilty or responsible for something. अगर हम इस वर्ड के साइनों की बात करें तो साइनो है इसका एक्विट, एक्सकल्पेट, फॉरगिव, पर्डन, एग्जेम्प्ट, एक्सोनरेट या सेट फ्री। ये सभी वर्ड्स इम्पोर्टेंट्स है, इक्विड भी इम्पोर्टेंट्स है, एक्सकल्पेट भी इम्पोर्टेंट्स है, फॉरगिव भी इम्पोर्टेंट्स है, पर्डन भी इम्पोर्टेंट्स है, एग्जेम्प्ट भी इम्पोर्टेंट्स है, एक्सोनरेट, सेट फ्री। ये सब वर्ड जो हैं एब्जॉल्व के सिनोनिम्स हैं। एब्जॉल्व मीन्स समबडी इज नॉट गिल्टी, किसी को दोषी न ठहराना कि कोई व्यक्ति जो है, पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज को करने के लिए। तो एब्जॉल्व मीन्स होता है बरी करना या मुक्त करना उसके गिल्टी से, दोष से बरी करना होता है। तो ये एब्जॉल्व का सबसे सिनोनिम्स है क्विट, एक्सकल्पेट, और ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके देखते हैं। एब्जॉल्व मीन्स मैंने आपको बता दिया, समबडी इज नॉट गिल्टी, समबडी जो है गिल्टी नहीं है या रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है फॉर समथिंग, जो कुछ भी उसने किया है। अगर हम इक्विट की बात करें, सिनोनिम्स फर्स्ट था हमारा इक्विट। इक्विट मीन्स होता है टू फ्री फ्रॉम चार्ज, सजा से मुक्त करना या बरी करना जिसको बोलते हैं इक्विट, टू फ्री फ्रॉम चार्ज। एग्जांपल है द ज्यूरी इक्विटेड हिम ऑफ मर्डर, ज्यूरी ने उसे मुक्त कर दिया या फ्री फ्रॉम चार्ज कर दिया। इक्विटेड मीन्स फ्री फ्रॉम चार्ज, हिम उसे ऑफ मर्डर, मर्डर के केस से उसे बरी कर दिया, इक्विटेड कर दिया। ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, इक्विट मीन्स फ्री फ्रॉम चार्ज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट मीन्स होता है टू से ऑफिशियली दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, ऑफिशियली रूप से कहना कि समबडी कोई पर्सन है जो कि गिल्टी या दोषी नहीं है, उसे बोलते हैं एक्सकल्पेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स होता है टू स्टॉप फीलिंग एंग्री विथ समबडी That who has done something to harm, किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने जिसने कुछ किया है टू हार्म, हानि पहुंचाने के लिए, उसे एंग्री विथ somebody, टू स्टॉप फीलिंग, स्टॉप मतलब रोक देना फीलिंग, फीलिंग को एंग्री विथ somebody, उस व्यक्ति पर एंग्री होने से रुक जाना या उसे क्षमा कर देना, वो होता है forgive। अगर कोई पर्सन आपके साथ हार्म करता है या आपको चीट करने की कोशिश करता है तो उसे आप forgive कर दीजिए, मीन्स क्षमा कर दीजिए, वो होता है फॉरगिव वर्ड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आई विल नेवर फॉरगिव हर, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा या फॉरगिव नहीं करूँगा फॉर व्हाट, उसके लिए, सी डिड, जो कुछ भी उसने किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्डन। पर्डन मीन्स होता है नॉट टू पनिश समबडी फॉर क्राइम, क्राइम के लिए किसी somebody को या किसी पर्सन को पनिश, दंडित न करना, वो होता है पर्डन। ये भी लगभग फॉर यू का सिनोनिम्स ही है, एग्जैक्ट सिनोनिम्स की है। क्राइम, अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा, वो होता है पर्डन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सी वॉज पर्डन आफ्टर सर्वाइंग 10 years ऑफ ए लाइफ सेंटेंस, 10 साल की सजा काटने के बाद सी वॉज पर्डन, उसे पर्डन किया गया था, मीन्स उसे फ्री फ्रॉम चार्ज कर दिया गया था या उसे सजा दी नहीं गई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन्स होता है टू से ऑफिशियली नॉट टू पे समथिंग, छूट देना होता है, छूट देना, टू से ऑफिशियली, ऑफिशियली कहना नॉट टू पे समथिंग, कि आपको कुछ पे नहीं करना या अदा नहीं करना, एग्जेम्प्ट में छूट देना होता है। एग्जाम्पल की बात करें हिज बैड आई साइट एग्जेम्प्टेड, उसकी जो बैड आई साइट थी एग्जेम्प्टेड, उसे छूट मिल गई
हिम उसे फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस में उसे बैड आई साइड के कारण उसे एग्जेम्प्ट मिल गया, मीन्स उसे कुछ छूट मिल गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जोनरेट। एग्जोनरेट, एग्जोनरेट मीन्स होता है टू से ऑफिशियली दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ऑफिशियली रूप से कहना कि समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नहीं है फॉर समथिंग के लिए, एग्जोनरेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो द पुलिस एग्जोनरेट, पुलिस ने उसे एग्जोनरेट कर दिया, मीन्स नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल ना मानते हुए इसे फ्री कर दिया फ्रॉम ऑल चार्जेस ऑफ करप्शन। करप्शन के, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार के सभी दोषों से उसे एग्जोनरेट कर दिया। अब तो वो हो गया था सिनोनिम्स, अब हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक्यूज, अभी हम लोग जो सिनोनिम्स पढ़ रहे थे उसमें था कि सजा से मुक्त करना, सजा न देना, बरी करना, लेकिन अब इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एक्यूज मीन्स दोष लगाना, कंडेम्ड निंदा करना, इम्पीज दोष ठहराना, ऑब्लिगेट कंपेल कॉन्विक्ट इनकल्पेट और ऑब्लाइज। तो इसमें इनकल्पेट इम्पॉर्टेंट है और मतलब एक्यूज भी इम्पॉर्टेंट है, कंडेम्ड भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पीज भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये उस वर्ड के एंटोनिम्स हो गए, मीन्स दोषी ठहराना कि कोई व्यक्ति दोषी है या अभियोग लगाना होता है, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अगर हम इनकल्पेट की बात करें तो इनकल्पेट होता है एक्यूज और ब्लेम, दोषी ठहराना। एग्जाम्पल ही एक्यूज हिमसेल्फ, उसने स्वयं को एक्यूज दोषी ठहराया, बट इनकल्पेटेड हिज फियांस, बट इनकल्पेटेड हिज फियांस। तो ये हो गया हम लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा। और वर्ड्स क्या था, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व मीन्स क्या था, फ्री फ्रॉम चार्ज, सजा से मुक्त करना या बरी करना या दंडित ना करना, ये सब एब्जॉल्व। एब्जॉल्व के हम लोग सिनोनिम्स देखे, एक्विट एक्सकल्पेट फॉर यू पर्डन एग्जेम्प्ट एक्सोनरेट सेट फ्री, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट था फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करके देखे, एक्विट क्या होता है, एक्सकल्पेट क्या होता है, फॉर यू क्या होता है, पर्डन क्या होता है, एग्जेम्प्ट क्या होता है, एक्सोनरेट क्या होता है, फिर हम लोगों ने एंटोनिम देखा। अब हम लोग का न्यू वर्ड कौन सा है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या होता है, टू टेक इनटू माइंड एंड लर्न और अंडरस्टैंड इट, समझना, ध्यानपूर्वक माइंड में बैठा कर रख लेना कि हमें इस चीज को समझना है, वो होता है एब्जॉर्ब, मतलब पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना, वो होता है एब्जॉर्ब। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो होता है कंज्यूम, कंज्यूम भी इम्पोर्टेंट है, इनग्रॉस, इनग्रॉस भी इम्पोर्टेंट है, सकअप ये भी इम्पोर्टेंट है पूरी तरह से, एग्जॉस्ट, स्वालो मीन्स होता है निगलना, इम्बाइब मीन्स होता है आत्मसात कर लेना, ये इस वर्ड्स के एब्जॉर्ब के सिनोनिम्स है। अब हम एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स होता है टू यूज समथिंग, टू यूज समथिंग स्पेशली फ्यूल एनर्जी एंड टाइम, एनर्जी टाइम या फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, ईंधन को टू यूज समथिंग मीन्स उपयोग करना, वो होता है कंज्यूम करना होता है, चाहे वो फ्यूल की बात हो चाहे एनर्जी की टाइम की बात हो, हमें उपयोग करना है वो होता है कंज्यूम। अगर हम एग्जांपल से समझें तो द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कंज्यूम्स, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ फोसाइल फ्यूल्स, फोसाइल मीन्स होता है जीवाश्म, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फोसाइल फ्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री जो है कंज्यूम करती है, मीन्स उसका उपयोग करती है, उसका यूज करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनग्रॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कंप्रिहेंशन वगैरह या क्लोज पैसेज वगैरह या कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर में वो ज़्यादातर पूछा जाता है, इनग्रॉस, इनग्रॉस वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। इनग्रॉस मीन्स क्या होता है, टू गिव ऑल योर अटेंशन एंड टाइम, मतलब पूरी एनर्जी आप झोंक देना उसी में कोई काम करने के लिए या कुछ भी आप कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो सी वॉज इनग्रॉस्ड, सी वॉज इनग्रॉस्ड, वह पूरी तरह से व्यस्त हो गया था, इनग्रॉस्ड हो गया था इन कन्वर्सेशन, इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स
कन्वर्सेशन मीन्स डायलॉग बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच बातचीत, तो वह इंग्रॉस हो गया था इन कन्वर्सेशन बातचीत में। तो इंग्रॉस मीन्स होता है ऑल योर अटेंशन, अपना पूरा अटेंशन और टाइम दे देना, वो होता है इंग्रॉस। स्वालो मीन्स होता है कंप्लीटली इटन और ड्रंक, निगल लेना होता है, स्वालो मीन्स निगल लेना। तो ये हो गया था एंटोनिम्स। एक वर्ड बचा है इम्बाइब। इम्बाइब मीन्स क्या होता है, टू एब्जॉर्ब समथिंग, पूरी तरह से आत्मसात कर लेना। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर व्यवहारिक तौर पर समझे, तो कहीं मान लीजिए कहीं हम टूर पर गए और वहां पर कोई हम लोगों ने दृश्य देखा, कोई हम लोगों ने सीनरी देखा, तो वो सीनरी हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, इम्बाइब कर लिया कि अब ये नहीं भूलेगा, वो इम्बाइब होता है। इम्बाइब मतलब होता है पूरी तरह से आत्मसात कर लेना। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें अगर हम, तो कास्ट आउट होता है, डिसिपेट होता है, इमिट होता है उत्सर्जन करना, पुट फोर्थ होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, एग्जूट होता है, डिस्पर्स बिखरा देना, इजेक्ट बाहर करना, गिव अप त्यागना, वोमिट मीन्स होता है उल्टी करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। मीट मीन्स दूर रखना, बिखेर देना, उत्सर्जित करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। और वर्ड क्या था हम लोग का, जो हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे थे, वर्ड था एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स आत्मसात करना या अपनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सटिनेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मीन्स क्या होता है, नॉट अलाउविंग योर सेल्फ समथिंग, आदेश अलाउ न करना स्वयं को कुछ करने के लिए, स्पेशली फूड, अल्कोहलिक ड्रिंक और सेक्स, स्पेशली फूड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और सेक्स। नॉट अलाउविंग योर सेल्फ समथिंग, अपने आप को जो है अलाउ नहीं करना, एब्सटिनेंस होता है, या कंट्रोल में रखना। अगर हम इसके साइनों की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, तो फ्रूगल हो गया, सेल्फ डिनाइल, सोब्रिटी, कॉन्टिनेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंस कौन सा है, फ्रूगल इंपॉर्टेंस है, सोब्रिटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और कॉन्टिनेंस। चलिए हम लोग इस वर्ड को एक्सप्लेन करके देखते हैं। फ्रूगल मीन्स होता है, फ्रूगल मीन्स होता है, अगर फ्रूगल की हिंदी की भावार्थ की बात करें, फ्रूगल मीन्स होता है किफ़ायती, Using only as much money as is necessary, उतना पैसा खर्च करना जितना कि आवश्यक हो, जितना कि हम यूज में ला सकें, जितना जेन्युइन हो, वो होता है फ्रूगलिटी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, तो अ फ्रूगल लंच ऑफ ब्रेड एंड चीज मीन्स जितना हमें खाना है बस उतना ही लंच में लेना, वो होता है फ्रूगल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोब्रिटी। सोब्रिटी मीन्स होता है बुद्धिमत्ता दिखाना, बींग सेंसिबल एंड सीरियस, समझदार होना और गंभीर पूर्वक कोई काम करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस मीन्स होता है आत्मसंयमी, टू कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग एंड डिजायर, अपने डिजायर, डिजायर मीन्स होता है विश, टू कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स और डिजायर को अपने नियंत्रण में रखना, वो होता है कॉन्टिनेंस। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें डियर, तो एंटोनिम्स होता है ग्रीडी मीन्स लालची, रिवेलिंग, एक्सेस, ग्लटन, वन हु ईट्स टू मच, इंटॉक्सिकेशन। तो ये वर्ड्स हो गया एंटोनिम्स का। अगला वर्ड है हमारा नहीं, आज हम लोगों का यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ, आज हम लोगों का पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और आज हम लोगों ने वर्ड पावर के फिफ्थ वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने देखा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिक्स नंबर वीडियो में फिर से मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ, नए सिनोनिम्स टर्म्स का, नए यूजेज ऑफ वर्ड्स के साथ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।